hello everyone and welcome back to our channel join mns academy in this video we would be doing questions of chemical bonding the pdf of this session would be available on our app and on our telegram channel and link of both of these would be available in the description box so if you want pdf of this session please go through it so let's start with the questions एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ ए इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सी न्यूट्रल एटम्स डी इलेक्ट्रिकली चार्ज आइटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स सो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज आयोनिक कंपाउंड तो आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकली चार्ज आइटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स सो इलेक्ट्रिकली सॉरी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स तब फॉर्म होते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज डेवलप होता है वन पॉजिटिव एंड अनदर वन नेगेटिव सो वो एक दूसरे को जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है वो नेगेटिवली चार्ज एटम से परमानेंटली इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है अपने पास और उसका चार्ज उसके ऊपर से चला जाता है बिकॉज द चार्ज डेवलप बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड जब वो एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स परमानेंट ट्रांसफ़र होता है वो वापस उसे नहीं ले सकते जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है वो परमानेंटली इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो उस टाइप को बॉन्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड जो कंपाउंड उससे फॉर्म होते हैं उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट वुड बी ऑफ ए हीलियम बी सीजियम क्लोराइड सी एन एच थ्री डी सी एच थ्री सी एल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सीजियम क्लोराइड सो जो हाईएस्ट मिल्टिंग पॉइंट है वो सीजियम क्लोराइड में ऑब्जर्व होगी और सीजियम क्लोराइड में क्यों ऑब्ज़र्व होगी क्योंकि जो सीजियम क्लोराइड है वो फॉर्म्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के वजह से जिसमें जो क्लोराइड मॉलिक्यूल है वो अनायन के फॉर्म में आता है एंड अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंटली सीजियम को दे देता है एंड यहाँ पे एक फैज़ान रूल्स होता है उसका भी एप्लीकेशन आ जाता है जहाँ पे सीजियम है वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और जिसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा एक एरिया में डिस्पर्स है जिसके वजह से जो क्लोराइड है वो छोटा मॉलिक्यूल है एंड उसका चार्ज जो है एनायन का वो एक स्मॉल स्पेस में है तो वो सीजियम uh, क्लोराइड का एक ज़्यादा पोलराइजेशन कर पाता है उसके इलेक्ट्रॉन्स का तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मिल्टिंग पॉइंट हायर हो जाता है सो so, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सीजियम क्लोराइड विच इज़ द मोस्ट को वैलेंट ऑप्शन ए सी बी आर ऑप्शन बी सी ओ ऑप्शन सी सी एस ऑप्शन डी सी एफ सो इसका करेक्ट आंसर है सी एंड एस विच इज़ कार्बन एंड सल्फर जो कार्बन एंड सल्फर है वो कोवैलेंट है सबसे ज़्यादा जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं बिकॉज जो कार्बन एंड सल्फर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो उनका दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो फॉर्म करते हैं बॉन्ड बाकी जो सी और बी आर है अगे यहाँ पर सी मॉलिक्यूल छोटा होगा एंड बी आर जो मॉलिक्यूल है वो बढ़ा है तो यहाँ पर कुछ पोलराइजेशन का इफेक्ट आ जाएगा जो उसे मोस्ट कोवैलेंट बनने नहीं देगा अगेन ऑक्सीजन के साथ भी यही होगा और जो ये फ्लोरीन है वो भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउ मोलिक्यूल है तो वो भी अगेन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन कर देगा तो वहाँ पे भी एक आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा और हमें यहाँ पे चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड या फिर जिसकी भी बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट यहाँ पर बन रही है दो मॉलिक्यूल्स में तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन एंड सल्फर जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं एंड इट इज द मोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड नेक्स्ट क्वेश्चन bond फॉर्म्ड इन क्रिस्टल्स बाय anion एंड cation is ए आयोनिक बी metallic सी covalent d dipole सो so, इसका करेक्ट आंसर है आयोनिक अगेन जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में देखा कि एक आयनिक बॉन्ड जो होती है वो कब फॉर्म होती है तो एक आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होती है जब एक हमारे पास एक अनायन है और एक कटैन है तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि एक अनायन और एक कटायन अगर हैं तो वो कैसा बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है एन आयनिक आयनिक बॉन्ड विच मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट ऑप्शन ए एच टू ओ ऑप्शन बी सी ओ टू ऑप्शन सी एच एफ ऑप्शन डी एच बी आर इसका करेक्ट आंसर है सी ओ टू जो सी ओ टू मॉलिक्यूल होता है उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है जैसे एच एफ़ हुआ एक एच इधर होता है वो एक सिंगल बॉन्ड बनाता है वो एच एफ ऐसे बन जाता है एच बी आर में भी ये एच है एंड अगेन यहाँ पे बी आर उसके साथ फॉर्म करता है तो वो एक ऐसा सिंगल बॉन्ड होता है एंड जब सी ओ टू बॉन्ड फॉर्म करता है तो एक ऑक्सीजन इस साइड होता है एक ऑक्सीजन इस साइड होता है एंड यहाँ पे कंप्लीटली वन एटी डिग्री की जो ये बॉन्ड बनती है पूरी तो वहाँ पे कोई भी डाइपोल मोमेंट द एंड कोई एंगल होता है नहीं है जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है और एच टू ओ जो होता है उसमें ऑक्सीजन सेंटर में होता है एक एच यहाँ पे होता है एंड एक एच यहाँ पे एंड जो यहाँ पे ये यह बॉन्ड एंगल होता है ये होता है वन जीरो फोर डिग्री पॉइंट फाइव का सो so ये इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज़ सी ओ टू द बॉन्ड डैट एग्जिस्ट बिटवीन एन एच थ्री एंड बी एफ थ्री इज कॉल्ड ऑप्शन ए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ऑप्शन बी कोवेलेंट बॉन्ड ऑप्शन सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड सो जो ये एन एस थ्री एंड बी एफ थ्री है इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं और इसको कभी कभी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं सो so, इन मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड बनती है उसमें क्या होता है जैसे ये ना नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन को देता है और उसके बाद बॉन्ड बनाता है सेम ये केस बी बी एफ थ्री में भी होता है जहाँ पे वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है उसके बाद वो बॉन्ड फॉर्म करता है जिसमें जो ये अलग जो अदर मोलिकुलर हाइड्रोजन और एफ है ये लोग को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कोई भी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन अपना देते नहीं है जो भी देता है वो नाइट्रोजन या फिर बोरोन देता है क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस टाइप की बॉन्ड जहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के फॉर्म होती है उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं और या फिर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर कंपाउंड ऑप्शन ए एच सी एल ऑप्शन बी सी एच फोर ऑप्शन सी एच टू एस ई ऑप्शन डी एच आई सो इसका करेक्ट आंसर है एच सी एल एच सी एल एच सी एल में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो एक एच होता है एंड एक यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो सी एल होता है जहाँ पे जो सी एल होता है उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है बाकी मॉलिक्यूल्स में उन जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा है नहीं कि उनके बीच में एक ऐसे पोल्स फॉर्म होंगे जहाँ पे एक साइड पॉजिटिव होगा एंड अदर साइड नेगेटिव होगा इसलिए जो भी गिवन ऑप्शन हैं उसमें से एच सी एल इज़ मॉलिक्यूल विच हैज़ द हाइस्ट पोलर बॉन्ड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फजानस रूल कोवलेंट बॉन्ड इज़ फेवर्ड बाय

रहता है जबकि एक जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है तो जब वो कटान अनैन फॉर्म होता है जो उसका चार्ज होता है एक बड़े एरिया में डिस्पर्स हो जाता है तो जब जब वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो बॉन्ड ईजीली फॉर्म नहीं हो, होता है तो जब एक स्मॉल कटान स्मॉल अनयन होगा तो जो उनका चार्ज होगा वो एक स्मॉलर एरिया में डिस्पर्स होगा तो उसके लिए जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसे पोलराइजेशन करना ईजी हो जाएगा एंड बॉन्ड फॉर्मेशन भी ईजी हो जाएगा सो इसलिए जो फजान रूल के थ्रू जो हम कोवलिन बन बॉन्ड बनाते हैं वहाँ पे हमें एक स्मॉल कटैन एंड एक स्मॉल अनायन चाहिए होता है सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्मॉल कटैन एंड स्मॉल अनायन ट्रिपल बॉन्ड इन इथाइन इज़ फॉर्म फ्रॉम थ्री सिग्मा बॉन्ड्स ऑप्शन बी थ्री पाई बॉन्ड्स ऑप्शन सी वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स ऑप्शन डी टू सिग्मा बॉन्ड्स एंड वन पाई बॉन्ड सॉरी यहाँ पे सिग्मा की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है साइंस लिखा ये सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पे बट इसका करेक्ट आंसर है वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू बाई बॉन्ड्स सो जो इथाइन होता है वो होता है दो सी मॉलिक्यूल जिसमें यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड होती है एंड इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक एच मॉलिक्यूल यहाँ होगा एंड एक एच मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है सो जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसके बीच में जो बॉन्ड्स है ये जो एक बॉन्ड होती है ये सिगमा होती है एंड ये जो बाकी दो बॉन्ड्स है वो पाई बॉन्ड है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स विच इज़ ऑप्शन सी इन अ सिग्मा बॉन्ड ऑप्शन ए साइड वाइज एज वेल एज एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस ऑप्शन बी साइड वाइज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस ऑप्शन सी एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक प्लेस ऑप्शन डी नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए साइड वाइज एज वेल एज एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस तो जो एक सिग्मा बॉन्ड बनती है जो जो अगर वो दो एस ऑर्बिट्स के बीच में बनी तो ये उनका साइडवाइज होता है एंड अगर वो एक साइड वाइज ओवरलैप करता है एक पी के जो ऑर्बिट uh, होते हैं वो ऐसे होते हैं और जब वो एस के साथ फॉर्म करता है तो ऐसे फॉर्म होता है तो ये दोनों वाइज हुए देन जब यहाँ पे लिखा है अदर एंड टू एंड ओवरलैपिंग तो वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में तो इस वाली ओवरलैपिंग को हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहते हैं तो ये इसका जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वो दोनों वेज में फॉर्म हो सकता है विच इज़ साइड टू साइड एंड वन इज एंड टू एंड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कंपाउंड फॉर्म बाय एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन विल हैव स्ट्रक्चर ऑप्शन ए प्लेनर ऑप्शन बी पिरामिडल ऑप्शन सी एंगुलर ऑप्शन डी ट्राइगूनल वाई पिरामिडल करेक्ट आंसर इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल विच इज़ ऑप्शन डी जो इसका एग्जाम्पल है पी सी एल फाइव जहाँ पे ये पी बीच में होता है एंड यहाँ पे फाइव सी एल मॉलिकुल्स होते हैं जो दो ऐसे होते हैं एंड एक इस अरेंजमेंट में होता है यहाँ पर एक लोन पेयर भी होता है तो ये पी सी एल फाइव जो है वो एग्ज़ाम्पल है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आई एफ़ सेवन जो आई एफ सेवन है ये यहाँ पे आई एफ सेवन का स्ट्रक्चर भी है तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन एस पी थ्री डी थ्री ऑप्शन बी एस पी टू डी ऑप्शन सी डी टू एस पी थ्री ऑप्शन डी एस पी थ्री इसका करेक्ट आंसर है डी टू एस पी थ्री जो ये आई एफ सेवन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डी टू एस पी थ्री है एंड जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इसको पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहते हैं बिकॉज ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पेंटागोन की फॉर्म में आया है एंड ये जो ऊपर से एक यहाँ से और जो यहाँ पे ये फ्लोरी निकल रहा है इसके वजह से हम इसको बाई पिरामिडल कहते हैं सो इस स्ट्रक्चर को हम पेंटागोनल बाई पिरामिड कहते हैं एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विच इज़ डी टू एस पी थ्री इन मीथेन द बॉन्ड एंगल इज़ ऑप्शन ए वन एटी डिग्री ऑप्शन बी नाइन्टी डिग्री ऑप्शन सी वन ट्वेंटी डिग्री ऑप्शन डी वन ज़ीरो नाइन डिग्री सो इसका करेक्ट आंसर है वन जीरो नाइन डिग्री पॉइंट फाइव ये यहाँ पे डायग्राम भी मैंने दिया जिससे आपको इजीली समझ में आए ये जो 108.7 पिकोमीटर है ये इस कार्बन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है एंड जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बिटवीन जो टू बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन इन अ मीथेन है वो 109.5 डिग्री है सो so, इसका करेक्ट आंसर है 109.5 डिग्री मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन रेजोनेंस इज ड्यू टू ऑप्शन ए डी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डी लोकला ऑप्शन बी डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन सी माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम ऑप्शन डी माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स सो डी जो ये रेजोनेंस है रेजोनेंस हमें तभी ऑब्जर्व होता है जब हमारे पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो बाकी जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है वहाँ पे हमें रेजोनेंस का जो भी फिनोमिना है वो ऑब्जर्व नहीं होता है एंड दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स सो रेजोनेंस इज ऑब्जर्व ड्यू टू विच इज़ द आंसर ऑप्शन बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्स ई एफ टू इज अ ऑप्शन ए लीनियर ऑप्शन बी ट्राइगुलर प्लेनर ऑप्शन सी पिरामिडल ऑप्शन डी प्लेनर तो जो ये एक्सी एफ टू मोलिक्यूल है जिसका यहाँ पे ये डायग्राम हमने शो किया है तो ये क्या है इसका जो ज्योमेट्री जो, बनती है उसे क्या कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है लीनियर यहाँ पे देख सकते हो एक फ्लोरीन इस साइड है एंड अदर फ्लोरीन उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड है तो ये यह यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक ये यह वन डिग्री का होता है इसलिए हम लीनियर कहते हैं इसे एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है एस तो जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो उसमें हम उसके लोन पेयर्स को भी काउंट करते हैं जस्ट बॉन्ड्स को नहीं काउंट करते हैं लोन पेयर भी उसमें ऐड होता है तो जब आप किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन uh, लिख रहे हो तो उसमें आपको लोन पेयर को भी अकाउंट में लेना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन वेन टू एटोमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे फॉर्म ऑप्शन ए वन मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑप्शन बी टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑप्शन सी थ्री मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑप्शन डी फोर मॉलिकुलर ऑर्बिट इसका करेक्ट आंसर है टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वॉज डेवलप मेनली बाय ऑप्शन ए पॉलिंग ऑप्शन बी मुलिकन ऑप्शन सी पॉलिंग एंड स्लेटर ऑप्शन डी थॉम्पसन सो इसका करेक्ट आंसर है मुलिकन जो मलिकन थे उन्होंने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दी थी जिसको हम एम ओ टी बी शॉर्ट में कहते हैं इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड देयर आर ऑप्शन ए सिक्सटीन शेयर्ड एंड एट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन बी एट शेयर्ड एंड सिक्सटीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन सी ट्वेल्व शेयर्ड एंड ट्वेल्व अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन डी एटीन शेयर्ड एंड सिक्स अनशेड इलेक्ट्रॉन्स सो इसका करेक्ट आंसर है सिक्सटीन शेयड एंड एट अनशेड इलेक्ट्रॉन्स ये इसका एक डायग्राम है यहाँ पे हेल्प से समझ सकते हैं सो so, जो ये सर्कल uh, के अंदर है जैसे एक ये हाइड्रोजन का है एंड क्रॉस वन मान लो कि uh, कार्बन का है सो so, तो ये जो शेयड uh, इलेक्ट्रॉन है वो ये वाले हैं जिसको मैं हाईलाइटर से मार्क कर दे रही हूँ सो so, आप इसको काउंट करेंगे तो इनका नंबर सिक्सटीन आएगा और ये जो रिमेनिंग है जो यहाँ पे दो ऑक्सीजन के पास है एंड यहाँ पे ये फोर पेयर्स में है तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये अनशेयड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए जो इसके इसने जो एसिटिक एसिड ने जो इलेक्ट्रॉन्स शेयड किए वो सिक्सटीन है और जो अनशेड इलेक्ट्रॉन्स है वो एट है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिक्सटीन शेयड एंड एट अनशेयड इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म बाय हाइड्रोजन बॉन्ड तो किस मॉलिक्यूल में हमें हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्जर्व होगी ऑप्शन ए सी एच टू ऑप्शन बी एन एस सी एल ऑप्शन सी एल आई एफ ऑप्शन डी एच टू ओ सो इसका करेक्ट आंसर है एच टू ओ सो जो भी हमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो भी हमारे पास अदर मॉलिक्यूल है अदर देन हाइड्रोजन वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए तो जैसे कि ऑक्सीजन है फ्लोरीन है मेनली इन केसेस में ही हमें हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्जर्व होती है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है सो so, जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे एच ही है जहाँ पे हमें ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड में रहना ही है सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एच थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट For the next chapter, which you want us to make the video. And lastly, thank you.